हम आ चुके हैं वी लोकलाइज कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये लोग हायरिंग कर रहे हैं एक वर्क फ्रॉम होम की पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप लोगों का जो काम रहने वाला है वो रहेगा सर्च क्वालिटी रेटर का, जो कि हिंदी में रहने वाला है एंड एक रिमोट फ्रीलांस की ये जॉब है। सो किस तरह की हायरिंग है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी वी लोकलाइज कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट हिंदी में प्रोवाइड की है सब डिटेल। तो हम लोग वन बाय वन डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, क्या रोल रहने वाला है, क्या तरह से आपको अप्लाई करना है। सो इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, इन्होंने बताया हुआ है वी लोकलाइज कंपनी जो है वो यहाँ पे इस टाइम पे ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो यहाँ पे हिंदी बोलना पढ़ना और लिखना जिनको आती है, ताकि वो यहाँ पे सर्च क्वालिटी रेटर, एक इनकी डेजिग्नेशन है सर्च क्वालिटी रेटर, यहाँ पे वो लोग काम कर पाएँ इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो आपको एज अ सर्च क्वालिटी रेटर जो है आप लोगों को क्या काम करना होता है, किस तरीके का आपको काम मिलेगा वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। कि अगर आप ऑनलाइन गूगल सर्च करना जानते हो चीज़ों को एंड डिफरेंट चीज़ों को, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है गूगल से कैसे आपको सर्च करके निकालनी होती है, आप अगर ये सब चीज़ें करना जानते हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य जो चीज़ रहने वाली है इम्पॉर्टेंट, वो ये रहेगी कि आप लोगों को डेटा जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है एंड उसे बेहतर बनाना है। आसान शब्दों में कहें तो आपको लोगों के नज़रिए और आम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के नियमों का पालन करते हुए रेटिंग देनी होगी। यानी आपको क्या करना होता है, जो भी गूगल सर्च करना है आपको इनके डेटा जो भी ये प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसको आपको गूगल पे सर्च करना होता है एंड उसको सर्च करने के हिसाब से उसकी क्वालिटी जो है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी को आपको यहाँ पे रेटिंग करनी होती है, जो भी इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे यानी कि प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से। तो डिफरेंट डिफरेंट इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है एंड आप यहाँ पे क्वालिटी रेटर होंगे, यानी कि आप रेटिंग करोगे इनकी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से। तो एक रिमोट अपॉर्चुनिटी ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। काम करने का टाइम इन्होंने बताया कि आपको वीकली यहाँ पे 10 से 25 घंटे काम करना होता है, जो कि आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग्स पे पूरे दिन में किसी भी टाइमिंग पे वर्क कर सकते हो। अपने हिसाब से आपको जिस टाइम पे वर्क करना है आप उस टाइम से वर्क कर सकते हो। देन यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है वेतन का रेट, यानी कि आपको हर एक टास्क के ऊपर यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। तो पर टास्क के ऊपर ये आपको 400 से 500 रुपीस जो है पर टास्क का पे करते हैं, तो आप पर टास्क के ऊपर 400 से 500 रुपीस जो है वो अर्न करने वाले हो। देन एक फ्रीलांसिंग जॉब है जो कि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है। देन आप लोग यहाँ पे अगर हम आपसे और डिटेल में बात करें कि क्या करना है यहाँ पे, क्या करना होगा, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल बताई हुई है कि आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। देन आप इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर जानते हो तो वेल एंड गुड रहेगा, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे बात करें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि आपके लिए बैचलर्स डिग्री होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बैचलर्स डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ बराबरी में कुछ क्वालिफिकेशन करा हुआ है इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रीलांस की जॉब है, कोई भी जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सब चीज़ें आपको कंपनी सिखाने वाली है यहाँ पे। देन यहाँ पे इन्होंने बताया, देख लो काम शुरू करने से पहले क्वाइंट की तैयारी की गई ट्रेनिंग और एक कठिन टेस्ट पास करना ज़रूरी है। यानी कि होता क्या है, जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपका एक टेस्ट होता है, जब आप उसे पास करते हो तो आप इनके साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे ट्रेनिंग में आपको ये सब चीज़ें सिखा देंगे कैसे काम करना है वो सब चीज़ें। देन यहाँ पे इन्होंने मेन चीज़ें जो बताई हुई हैं वो यही है कि आप लोग यहाँ पे रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो, मतलब रेटिंग वगैरह दोगे चीज़ों के ऊपर। एंड पेमेंट के बारे में भी हमने बात कर दी, कौन लोग अप्लाई कर सकता है वो भी हमने बात कर दी। देन हम यहाँ पे बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए लिंक आपको इन्होंने दिया हुआ है। लिंक के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो इस तरह से एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, बट CV के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप अपना CV यहाँ पे अपलोड करोगे, CV अपलोड करने के बाद आपको अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। LinkedIn अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे N/A मेंशन कर सकते हो। देन आप स्क्रॉल डाउन करोगे एंड यहाँ पे आपको येस करना है कि आप अवेलेबल हो पर वीक 10 घंटे काम करने के लिए। देन यहाँ पे भी आपको येस क्लिक करना है
देन जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस मेंशन करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप फ्लुएंस हो। हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। पीसी लैपटॉप आपके पास है या नहीं है वो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, बट एज सच इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा है कि आपके पास लैपटॉप कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज ये जो वर्क रहेगा वो आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो इजीली। तो एज सच लैपटॉप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यहाँ पे, आप अपने मोबाइल से ही काम कर सकते हो। एंड लैपटॉप के लिए जस्ट आपसे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। देन ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने वर्क जो है, मतलब जो काम करने वाले हो, वो आप करंटली अपने वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हो या नहीं, तो आप उसको यहाँ पे यस करोगे। एंड यहाँ पे इन्होंने बेसिकली आपसे ये चीज़ पूछी हुई है कि आपके घर में से कोई करंटली इनके साथ वर्क कर रहा है क्या, तो आप उसके हिसाब से यस या नो करोगे। तो अगर आपके घर में से कोई वर्क कर रहा है इनके साथ ऑलरेडी, तो आप यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। देन एड्स क्वालिटी प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने कुछ पूछा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप करंटली वर्किंग हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। देन आपको इन्होंने बताया हुआ है दिस प्रोजेक्ट इज़ पेड बाय द टास्क अप टू $3 पर आवर अप्रॉक्सीमेटली, सो वुड यू एक्सेप्ट दिस रेट, कि आपको यहाँ पे $3 जो है वो ये पर रेट के हिसाब से दे रहे हैं, यानी कि पर आवर के हिसाब से आपको ये यहाँ पे $3 जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम पे अगर $3 जो है वो यहाँ पे चेक करते हो, तो $3 जो है वो आपके 248 रुपीज़ आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है यहाँ पे इंडिविजुअल इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके यहाँ पे 400 से 500 पर आवर वाले भी रहते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस पे ये आपको 3 आवर्स तक के देंगे, यानी कि 248 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे पर आवर। देन जब आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो और अच्छा वर्क करोगे, तो आपको यहाँ पे 400 से 500 पर आवर वाले भी पेमेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी प्रोजेक्ट्स। तो देन आपको यहाँ पे हिंदी का फ्लुएंसी बताना है, देन ये आपको फ़ोन नंबर वगैरह के लिए पूछ रहे हैं, देन आपको यहाँ पे स्टेट, अपना जेंडर और अपना स्टेटस वगैरह बताना है। देन आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे एंड सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। जैसे आप सबमिट करते हो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, एंड फिर अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एक ईमेल आएगी, जो कि आपको मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। तो अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी तरफ से रिवॉर्ड आता है, तो डेफिनेटली समझ जाना कि आपका शॉर्टलिस्ट हो चुका है। एंड फर्दर आपको प्रोसेस के लिए ये लोग फिर ट्रेनिंग वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं एंड आपका टेस्ट लेते हैं। सो इस तरह से रहेगा कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एंड सिलेक्शन पा सकते हो। तो अगर इसको लेकर के कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँ। एंड अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड इसी के साथ हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन करो, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब जो है उनमें अप्लाई कर पाओ एंड बिना किसी एक रुपए को भी पे किए हुए आप यहाँ पे जॉब पा पाओ। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।